कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। ये जट्टारी पुलिस चौकी यानी कि अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना के अंतर्गत आने वाली जट्टारी पुलिस चौकी है, जिसमें जो नाराज युवाओं ने अग्निपथ के विरोध में उपद्रव के दौरान इसको आग के हवाले कर। अलीगढ़ में पुलिस चौकी जला दी, बलिया में ट्रेन के डिब्बा में आग लगा दी और मथुरा में पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की, और उसके बावजूद बनारस के सीपी सतीश भरद्वाज कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे ही बच्चे हैं, हम इनको समझा लेंगे। आइए देखते हैं सतीश जी का ये बयान। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। सर, क्या तैयारी इसकी पूरी थी पहले से, जो बाकी जिलों में हंगामा हो रहा था? अभी कंट्रोल में है, अभी कंट्रोल में है। वैसे आपको पता है कि बिहार के अंदर इस प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा असर हुआ है, जहां पर कई ट्रेनें जलाई गई और रेल मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि कृपया शांति बनाए रखें, रेलवे आपकी संपत्ति है। आइए उनका बयान भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें, ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। 11/1/2022 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर लिखा था, उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि असामाजिक सोच रखने वाले तत्वों के लिए उदाहरण बने। योगी आदित्यनाथ जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक योजना पर इतना बवाल होगा कि यूपी के अंदर कई जगह पर आगजनी होगी, पत्थर चलेंगे, और ये चलाने वाले जिनकी पहचान कपड़ों से नहीं की जा सकती क्योंकि ये बेरोजगार है। हो सकता है योगी जी का बुलडोजर इस पर ना गरजे, लेकिन कानूनन ये गलत भी होगा। बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना मेरी नजर में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इस योजना के बारे में बच्चों को बैठा कर पहले से पहले समझा दिया गया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी योजना को लागू करने के पहले जनता जनार्दन से भी पूछना शायद आज की तारीख में आवश्यक है। बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई जगह पर मुख्यमंत्री बनाने से पहले जनता से उनके बारे में अपनी विचार रखने के लिए कहे थे। बहरहाल आज देश जल रहा है, देश के अंदर बहुत जगह पर तोड़फोड़ हो रही है, और इनके जिम्मेदार ना तो प्रधानमंत्री जी हैं और ना ही मुख्यमंत्री जी हैं, और ना ही ये शायद सांप्रदायिक दंगेबाज हैं। ये बेरोजगार हैं और इनकी डिमांड है कि इस योजना को कैंसिल किया जाए और देश में आर्मी की भर्ती की जाए। आगे जो भी होगा इससे जुड़े बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और Facebook में देख रहे हैं तो फॉलो करिए।